हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं वीवो V29 प्रो डिवाइस के अंदर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? दोस्तों, जैसे आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास फ़ोन आ जाता है, अपने कॉल को रिसीव कर लेते हैं और आधी बात हो जाती है, तब जाके आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आधा ही हो पाती है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं किसी नंबर की हम कॉल रिकॉर्डिंग कर लें, तो जब आपके पास फ़ोन आता है तो आप भूल जाते हैं इस नंबर से हमें कॉल रिकॉर्डिंग करना था, तो वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कर लेते हैं तो आप जिस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे कर पाएंगे। अगर आप नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप सभी नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसके अलावा किसी दोस्त यार के भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो उसके भी कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक थोड़ा सेटिंग करना होगा, इसके बाद आप अपने फ़ोन में किसी की भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और आपको वहाँ से बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है। तो उसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने डायलर को ओपन कर लिया, आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है यहाँ पे ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीट रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ऊपर में आपको ऑप्शन आ रहा है डिलीट रिकॉर्डिंग। दोस्तों, आप जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे उसको आप अपने फ़ोन से ऑटोमेटिक डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नेवर का ऑप्शन। अगर आप अपने फ़ोन में सारे कॉल रिकॉर्डिंग को रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन से कोई भी डिलीट ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेवर के ऑप्शन को यूज करना है। अगर आप अपने फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे के 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको मिलता है 7 डे, 14 डे, 30 डे, तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उतना दिन तक आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 30 दिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है, ये आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। हमारे फ़ोन में आप 30 दिन तक कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। नीचे आना आपको और यहाँ पे आपको मिलता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, आपको इसको इनेबल करना होगा। दोस्तों, आप जो नए नंबर आपके पास आएंगे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहा, तो आप देख रहे हैं ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है और इसके बाद यहाँ पे ऑलवेज रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन में ये बटन इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई भी नए नंबर से कॉल आएगी या नए नंबर पे आप कॉल लगाएंगे, उसका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है सेलेक्ट नंबर, जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे नीचे सेलेक्ट नंबर है, आपको इस पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलवेज रिकॉर्ड सेलेक्ट नंबर, और इसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं चूज ए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके सेव नंबर है, यहाँ पे सारे सेव नंबर आ जाते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग लगाना है उस नंबर को यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे नंबर आ रहे हैं, आपको जिस नंबर को यहाँ पे यूज़ करना है कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जैसे किसी एक नंबर को कॉल रिकॉर्डिंग लगाएंगे, तो हम इस नंबर पर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इस नंबर से हमारे पास चाहे फ़ोन आए, चाहे हम इस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे, इसका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके अलावा और भी नंबर अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे चूज़ ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है और भी नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।